आर फ्रॉम अनुराग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लाए हैं न्यूड का ट्रेलर रिएक्शन। मानो थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि ये मराठी मूवी जो है ये थोड़े टाइम पहले आ चुकी है, लेकिन हमने अभी जब बकेट लिस्ट का दिया तो हमें काफी लोगों ने बोला कि ये न्यूड ट्रेलर का है, ये इसका भी ट्रेलर आया, जरूर देखिए, ये भी बहुत अच्छी मराठी फिल्म है, तो इसका भी हम देख लेते हैं कैसा है। क्योंकि हमें बकेट लिस्ट जबरदस्त लगी थी, वो माधुरी दीक्षित जी की एक्टिंग से लेके, और वो जो इस तरह दिखा रहे थे ना कैसे एक बकेट लिस्ट पूरा करने के लिए वो बहुत अच्छा था। एंड वो मतलब एक क्लासिक मराठी मूवी। बकेट लिस्ट म्हणजे इच्छा, आकांक्षा, विशेस। मला वाटतं की त्या मी पूर्ण कराव्या। तो वैसे अब ये देखते हैं, चलो न्यूड का देखते हैं। न्यूड का ट्रेलर, लेट्स स्टार्ट। हर इंसान में खुदा होता है और खुदा में इंसान। मुसव्विर इन दोनों से परे जाकर कुछ खोजने की जरूरत करता है। नवाजुद्दीन से दीते हैं क्लासिकल थिंकर्स आ रहे हैं मूवी में, वो देख के ही होता है कि जैसे ये मूवी को जिस तरीके से बनाया गया था, जो स्टार्ट से किया गया, वो नसरुद्दीन शाह जी आए और उन्होंने आके जैसे बताया कि जैसे जो कपड़ा होता है वो तन को ढकता है, शरीर को ढकने सोल को नहीं ढकता, और मैं सोल को ढूंढ रहा हूँ। फिर वो अपने पति को देखती है किसी और के साथ मिंगल करते हुए, तो वो फिर सोचती है कि, और फिर उसके बाद उसकी जो आंटी है वो उसको कहती है कि भाई अब भूल जाओ उसको, खत्म हो गया ये वो एंड ऑल, वो पूरा जो सीन बनाया जाता है। फिर वो अकेले अपने बेटे के लिए करने जाते हैं, फिर वो देखती है कि उसकी आंटी क्या काम करती है, एंड फिर वो मेनली न्यूड पोर्ट्रेट्स में हेल्प करती है, तो वो उनको लगता है कि, वो पता नहीं इसमें बताया नहीं है वो करती हैं कि नहीं करती है। वो थोड़ा सस्पेंस रखा, वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा ये मूवी का, कि जैसे जैसे वो पार्ट आने लगा था एकदम उन्होंने फास्ट सिक्वेंसेज दिखाने शुरू कर दिए, तो वो वही तो मेन ट्रेलर होता है कि आपको एक बना के रखे, तो वो बहुत अच्छा सस्पेंस बना के रखा हुआ है कि देखना है मूवी में है क्या। और वो भी इसमें वो सीन भी दिखाया गया था ना कि जब वो उसके बेटे को बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तू मेरा बेटा एजुकेटेड मैन बने, पर लेकिन वो सिगरेट पीने लग जाता है, वो गलत संगति में पड़ जाता है, तो उसको फिर मारती भी कि है ना मैं तेरे लिए इतना कर रही हूँ, तेरे को एजुकेशन दिलाना चाहती हूँ, तू मतलब ये सब कर रहा है, तो वो काफी थोड़ा वो सीन था, थोड़ा इमोशनल टाइप सीन उसमें। आप लोगों ने अगर नील बटे सन्नाटा देखी हो ना, तो वो भी कुछ ऐसी मूवी थी, जैसे उसमें कैसा था कि
जो बेटी और माँ बेटी की कहानी थी एंड उसमें वो बेटी जो होती है वो सोचती है कि उसकी माँ जो है कि मतलब काम वाली है तो बेटी काम वाली की बेटी क्या बनेगी तो ये सोच के चलती है और जबकि उसकी माँ का ये था कि मेरी बेटी कुछ बड़ी बने और कुछ करे एंड वो पूरी सीक्वेंस चलते हैं जो उसकी माँ उसके साथ चीज़ें करती है एंड वो आप देखना मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो बहुत अच्छी सीक्वेंस में वो काम किया जाता है और ये तो यहाँ पे माँ बेटे का दिख रहा है कि जैसे एक माँ अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने का सोचती है कि क्या मैं ये प्रोफेशन में जाऊँ अगर मैं जाऊँगी तो मैं इतना कमा पाऊंगी कि मेरा बेटा ढंग से वो रह पाएगा ढंग से पढ़ पाएगा एंड कुछ अच्छा बन पाएगा सो वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप के ऊपर दिखाया जाए और ये स्टार्टिंग जब चालू हुई थी वो देखा था ना इसको मूवी को न्यूयॉर्क इंडियन फेस्टिवल के अंदर वो सीन था न्यूयॉर्क इंडियन फेस्टिवल के अंदर भी दिखाया गया इसको वही कह रहा हूँ ना आजकल की रीजन मूवी इतनी ऊपर चली गई कि इनको इतना क्लेम मिलने लग गया है बहुत अच्छा हो गया और मतलब काइंड ऑफ वैसी स्टोरी वैसी बनती भी है जो मतलब जानी चाहिए बाकी ऐसा नहीं कि इंडिया में कि वही वो फाइट सीन आए धमाके वो आए उनकी वो बाकी भाई आजकल अभी देखा जाए ना पहले कंपैरेटिव में अभी देखा जाए तो बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनने लग गई है एंड इंडिया में जो ये पूरा प्रोफेशन है ना जैसे कि मान लो न्यूड आर्टिस्ट का ही जो है जो जहाँ फॉरेन में जाओगे ना कि अगर आप जो देखोगे तो बहुत सारी फीमेल्स हैं जो ये करती हैं जो उनको अच्छी इनकम मिलती है हाँ ठीक है वहाँ कोई रेप्यूटेड जॉब नहीं है बट वहाँ कोई इतना तुमको लताड़ता नहीं है ये नहीं करता बट यहाँ पे तो ये है कि जो गरीब तबका होगा एंड वो लोग होंगे वही मेनली इस जॉब में जाएंगे एंड इवन प्रोस्टिट्यूशन का भी ऐसा ही कुछ है तो वो थोड़ा सा इंडिया में प्रॉब्लम है तो उसी को भी शायद थोड़ा हाईलाइट करेंगे इनकी मूवी में कि कैसा हुआ क्या हुआ तो बाकी जब मूवी आएगी तो उसमें पता लग ही जाएगा क्या आती है उसमें बहुत इंटरेस्टेड है मूवी देखने को तो वेट करते हैं आप भी देखिएगा हम भी देखिएगा और लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बाय।